ये वो लोग हैं जो शुरू से बरसरे इकतदार आए, जब से पाकिस्तान बना, अहम अहम ओहदों के ऊपर ये लोग फायज रहे। कौन सा ऐसा ओहदा है जो इन लोगों के पास नहीं था? लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इलाके के लिए कुछ भी ना किया। अगर कहीं पे कुछ किया भी तो वो ऐसी जगहों पे किया जहां पे ये समझते थे कि जी ये फलां बंदा जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है, उसको ही सिर्फ इन्होंने नवाजा, अपने चंद जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको। उसके अलावा पूरा इलाका जो है पसमानदगी, आप देख लें पूरे इलाके में कितनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंशा फरीदी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम इंतहाई घिसे पटे किस्म के सियासी कल्चर का शिकार हैं। ये सियासी कल्चर फ्यूडलिज्म पर मुश्तमिल है, ये सियासी कल्चर सरमायादाराना निज़ाम पर मुश्तमिल है। इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, इसके अंदर महज अकरबा परवरी है। यहाँ पर हमारा जो भी डायरेक्ट या बराह रास्त एक तरह से अवाम से वोट लेता है, वही जाकर अपने मफादात की सियासत करता है, वही जाकर एक ऐसी सियासत करता है जो करप्शन को फ़रोग देती है, जो मुल्क के अंदर बदउनवानी को फ़रोग देती है। ये एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके अंदर हमारे अवामी लीडर बराह रास्त अवाम से वोट लेते हैं। क्योंकि जब भी हमारे फ्यूडल, जब भी हमारे सरदार बराह रास्त वोट लेते तो वो डायरेक्ट अवाम से मांगते हैं। यहाँ पर क्या निज़ाम है, दरमियान में सोर्स ढूंढे जाते हैं, इलाकाई वडेरे, नाम निहाद किस्म के मुअज़्ज़ज़ीन जो कि इलाके के अंदर पुलिस और थाना की जो है ना सियासत करते हैं, वही आगे आगे होते हैं और हमारे सियासतदानों को या हमारे जो MNAs MPAs के कैंडिडेट्स होते हैं उनसे मुतालिक अवाम को मजबूर करते हैं कि आप उन्हें वोट दें। तो वही लोग जब उनके कहने पर इनको वोट देते हैं तो वो यकीनन कभी शफाफ सियासत नहीं होती। तो दोस्तों बदउनवानी क्या है, इलेक्शंस के अंदर धांधली क्या है, धांधली यही है कि जब कोई आदमी किसी को कहेगा, जब किसी को अपनी रिश्तेदारी या किसी दूसरी किस्म की जो मिन्नत समझ करके वोट लेगा तो मैं समझता हूँ कि वो धांधली होती है। धांधली ये नहीं कि महज पर्ची डालने के वक्त, जब भी कोई पर्ची डाली जाती है तो उस वक्त जो दो नंबर तरीका यूज़ किया जाता है कि वो धांधली है, बल्कि धांधली तो वो भी होती है कि जब हम किसी ताल्लुकदार से कहें, जब हम किसी दोस्त से कहें कि आप फलां को वोट दें, आप हमारे रिश्ते का तकद्दस का ख्याल करें, आप फलां आदमी को वोट दें, तो बुनियादी तौर पर ये भी धांधली होती है। जबकि हमें चाहिए कि हम वोटर्स को उनकी मर्जी पर छोड़ दें, हम ये कहें कि आप लोग अपनी मर्जी पर वोट दें। हाँ, कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपने दिफा के लिए अपने हक में दलायल ज़रूर दें, अपने शफाफियत को लोगों के सामने ज़रूर शो करें, उनसे इस हवाले से वोट मांगें, न कि झूठ या दरमियान में किसी सोर्स को यूज़ करें। तो दोस्तों मैंने पिछले दिन एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर चीफ ऑफ लिगारी कबायर सरदार जमाल लिगारी से मुतालिक कुछ बात थी, जिसमें वो अपनी एक वीडियो में रो रहे थे, वो महज मगरमच्छ के आंसू थे। तो इस वक्त जो मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ वो सरदार अहमद अली दृशक जो कि चेयरमैन है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के और साथ ही वो MPA भी हैं, मैंने देखा कि सरदार अहमद अली दृशक, ठीक है वो सरदार हैं लेकिन फिर भी जो उनकी सियासत है वो काफ़ी हद तक खोसा सरदार या इसके अलावा हमारे जो निगारी ट्राइब के सरदार हैं या दृशक ट्राइब दीगर सरदार हैं, तो उनसे मैं समझता हूँ कि ये सियासत उनकी मुनफरद होगी। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान की जितने भी अकवाम के लोग हैं उन तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों मैं आप तमाम दोस्तों का खादिम और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे आप तमाम दोस्तों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। मुझे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें मकामी जो हमारे नुमाइंदगान थे उनके हवाले से कि जी बाहर निकले मैदान में आए और लोगों के अंदर जो है राशन की तकसीम में अपना भी हिस्सा मिलाएं। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये अल्लाह सबब बनाता है, जरिया बनाता है। तो उन मकामी नुमाइंदगान के जो आगे
टीम है सोशल मीडिया की, उन दोस्तों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। दोस्तों मैं उन तमाम दोस्तों को भी कहूँगा जो मेरी इस बात को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप अपने इलाके की पसमानदगी खुद देख लें कि आपका इलाका इस वक्त कितना पसमानदा है। और ये वो लोग हैं जो शुरू से बरसर इक्तदार आए, जब से पाकिस्तान बना, अहम अहम ओहदों के ऊपर ये लोग फायज रहे। कौन सा ऐसा ओहदा है जो इन लोगों के पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इलाके के लिए कुछ भी ना किया। अगर कहीं पे कुछ किया भी तो वो ऐसी जगहों पे किया जहां पे ये समझते थे कि जी ये फलां बंदा जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है, उसको ही सिर्फ इन्होंने नवाजा, अपने चंद जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको। उसके अलावा पूरा इलाका जो है पसमानदगी, आप देख लें पूरे इलाके में कितनी है। मैदान की को देखते हैं तो लगता है ट्राइबल एरिया से ज्यादा पसमानदा है, ट्राइबल एरिया को देखते हैं तो उसकी पसमानदगी की इंतहा है। मैं सलाम पेश करता हूं चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब को, जो ही हम जो हमारे इलाके से हैं और हमारे इलाके की पसमानदगी को बखूबी वाकिफ हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जितना काम सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब हमारे इलाके में, डीजी खान में और जनूबी पंजाब में कर रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। जब मैं पहले रूमहंड वाले इलाके ट्राइबल एरिया में गया था तो मुझे याद है कि वहां पे जाते जाते मुझे को 5 घंटे का सफर था, जो कि 30 से 35 किलोमीटर की शायद रोड थी, और उस 35 किलोमीटर पे हमें 4 से 5 घंटे लग गए गाड़ियों के ऊपर। और तमाम दोस्तों की ये ख्वाहिश थी रूमहंड के कबाइल के लोगों की कि जी हमें जो है रोड यहाँ पे दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां पे तकरीबन कोई 80 करोड़ के लगभग जो है वो रोड जो है वो बन रही है, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आप लोग जाके देख भी सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जी ट्राइबल एरिया में क्या किया, दोस्तों मेरा हलका जो है वो गाजी घाट पुल से शुरू होता है और वो रकनी तक जाता है, फोर्ट मंडरू से आगे रकनी तक जाता है। ये तकरीबन कोई 140 किलोमीटर का तो मेन रोड बनता है। इस मेन रोड के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितनी बस्तियां होंगी, कितने लिंक रोड होंगे, कितनी कौमें होंगी, कितनी लोगों की तवक्कोआत भी होगी। कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे आप तमाम दोस्तों की तवक्कोआत पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये जो हमारे मुखालिफीन हैं उनको वीडियो पैगाम देने का मकसद जो है वो तनकीद बराए इस्लाह है, ताकि वो लोग भी बाहर निकलें। कोई भी पॉलिटिशियन अपने जो मुखालिफीन होते हैं उनको कभी नहीं कहता कि जी आप लोग भी बाहर आओ, मैदान में आओ, लोगों की खिदमत करो। वो तो सोचता है कि जी ये लोग सोए रहे ताकि मैं जो है उसका क्रेडिट ले सकूं, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि जी इलेक्शन है, सियासत है, हर बंदे की अपनी चॉइस है जो जिसको वोट करता है, लेकिन नेकी के कामों में तमाम दोस्तों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस वक्त डेरा गाजी खान में हनीफ पिताफी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरताज गुल साहिबा वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैंने अगले दिन वीडियो देखी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं शिबली चपके सवारी साहब, उन्होंने एक सस्ती रोटी का वो तंदूर बनाया, मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया, उनको भी मैसेज किया। और एक और बात आप तमाम दोस्तों को बताऊं कि ये जो मैं वीडियोस पैगाम बनाता हूं, ये मैं उन अपने जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी मैं व्हाट्सअप करता हूं कि शायद उनके पास ये वीडियो पैगाम, हो सकता है वो फेसबुक यूज करते हैं नहीं करते, या आप लोगों की तरफ उनके पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता, मैं ये व्हाट्सअप उनको भी करता हूं ताकि उनके पास भी पहुंचे, वो भी देखें कि मैं कह क्या रहा हूं। दोस्तों
मैं तमाम दोस्त स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात के बाद लगारी कबाइल के लोगों का और खोसा कबाइल के लोगों का, जो कि अपने उनके मकामी सरदार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं मेरे मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मुझे वोट करते हैं। हदीस शरीफ में है, जब आपका कबीले का सरदार अगर आपको किसी गलत रास्ते के ऊपर, गलत राह के ऊपर लेके जा रहा है, तो उसका पीछा छोड़ दो, अपने में से सरदार मुकरर करो और उसके पीछे चल पड़ो, जिसका सबूत लगारी कबाइल के लोगों ने और खोसा कबाइल के लोगों ने दिया। यकीन करें, मैं अगर पूरी जिंदगी इन लोगों की, इस गरीब आवाम की, अपने हलके के लोगों की, अपने हलके के वोटर्स की पूरी जिंदगी अगर मैं इनकी खिदमत करता रहूं, तो मैं समझता हूं वो नाकाफी है जो इन्होंने मुझे इज्जत दी, तमाम दोस्तों ने। और इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे आप तमाम दोस्तों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जो दोस्त हैं इस वक्त, मैं तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि जी मेरे दरेशक हाउस के दरवाजे तमाम दोस्तों के लिए खुले हैं। मलिक हनीफ साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। वो सऊदी अरब में उमरा के लिए गए, उन्होंने सऊदी अरब में बैठ के मेरे लिए दुआ की, और उनकी वालदा, जो मेरी वालदा हैं, वो आज भी मेरे लिए दुआ करती हैं। और मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की कि मैं उनके पास जाऊं और उनको उमरा की मुबारकबाद दूं, क्योंकि वो नेक सफ़र से आए हैं, लेकिन उनसे राबता नहीं हो पाया। और इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, उनकी वालदा साहिबा को भी जाके मिलूंगा, उनको भी मुबारकबाद दूंगा, और मैं बताऊंगा कि दरेशक हाउस के दरवाजे तमाम दोस्तों के लिए ओपन है, खुले हैं। और हफीजुल्लाह शाह साहब ने कल एक वीडियो बयान दिया, जिसके अंदर उन्होंने लतीफ खान पताफी साहब को और मुझे तनकीद का निशाना बनाया। उसने, मैं हफीजुल्लाह शाह साहब के लिए सिर्फ एक लाइन में उनकी बात का जवाब दूंगा कि शाह साहब, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का गुलाम हूँ, कादिम हूँ, पंचतन पाक का गुलाम हूँ, आप तो सैयद हैं, मैं आपकी कोई भी बात का जवाब जो है वो इस तरह वीडियो पैगाम के अंदर नहीं दे सकता। आपने जो बात पूछनी है या आप जो चाहते थे, जो आपकी ख्वाहिश थी, वो आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, तो उसकी का भी तरीक़ेकार होता है, इस तरह बैठ के वीडियो पैगाम जारी कर देना। आप आते, हमने दो तीन दिन पहले एक अपना डिस्ट्रिक्ट बॉडी का इजलास भी किया था, जिसके अंदर हमने आपको भी मदऊ किया था, और आप वहाँ पे ना आए। वहाँ पे हमने ये डिस्कस करना था, आपको बताना था, तो उसका तरीक़ाकार ये नहीं है जो आपने अपनाया। लेकिन फिर भी दरेशक हाउस के दरवाजे शाह साहब आपके लिए भी खुले हैं, और हर उस दोस्त के लिए खुले हैं जो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आप तमाम दोस्तों के कोई काम आ सकूं। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो, और शायद हो सकता है कि वो किसी हद तक अवामी भी हो, क्योंकि हमने जो कुछ महसूस किया वो नस्बतन अच्छा महसूस किया कि सरदार अहमद लतीफ पर हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें वापस।